बासित जो है वहां दूसरे रूम में किसी और लड़की से बात कर रहा है। किस लड़की से बात कर रहा है? हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ प्रायलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ और आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ कि अलियाना सो रही है, जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ। बासित जो है वहाँ दूसरे रूम में किसी और लड़की से बात कर रहा है। आवाज़ आ रही है आपको? किससे बात कर रहा है? तो मुझे भी नहीं, आपको नहीं आ रही आवाज़? तो आप क्या खा रही हो? किस लड़की से बात कर? पता नहीं किसी लड़की, माहीन, माहीन की तो आवाज़ नहीं लग रही। माहीन की तो आवाज़ नहीं लग रही। कोई होगी लड़की क्या? ये देखो देखो देखो, आ रही है आवाज़, आ रही है ना। और अभी गाने की भी आवाज़ आ रही थी ना, कि पता नहीं कौन था, तूने मारी एंट्री तो दिल में बजी, इस तरह से कोई गाना भी गा रहा था। तो गाने दे आप। मत यहाँ बासित किसी लड़की से बात कर रहा है यार। आपको क्या? बहुत कुछ। आप आयशा खान का ड्रामा देख रही हो? लेकिन ये बार बार क्या नाम है, मेरे बाल आ रहे हैं ना तो बंद हो रहा है, ये गर्म करके ला दें। मतिया बासित किसी और लड़की से बात कर रहे हैं, मुझे हैरत हो रही है। देखो एकदम जाके छापा मार, देखो बासित किसी और लड़की से बात कर रहे हैं। पनिशमेंट करवाते हैं अभी, सही है? कौन कौन कौन? 5K पे है पनिशमेंट, सही है? सब डबल टैप करो, सही है? हाँ यार, मैं असल में शूट पे हूँ ना काफी दिन से, इसलिए लाइव नहीं आया हूँ। आज थोड़ा सा फ्री हो गया तो जल्दी मैंने सोचा आज लाइव आ जाऊं, काफी दिन हो गए। कौन कौन? एवरीबॉडी वेलकम बासित की सिंड्रेला। अच्छा अच्छा नहीं वैसे मैंने तुमसे पूछा कब कि तुम लाइव आ रही हो। नहीं यार असल नहीं नहीं मैं काफी दिन से नहीं आया हूँ ना, लाइव नहीं आया हूँ मैं, नहीं काफी दिन से मैं राज भाई बातचीत किसी और लड़की से बात कर रहे हैं। वाकई में आवाज नहीं आ रही? तभी मैं सोचूं यहाँ से खामोशी से उठ के क्यों गया। हे बॉय, खामोशी से उठ के गया किसी और लड़की से लगा है। तुम बिखारी हो? अच्छा नहीं तुम, नहीं तुम हो या नहीं तुम अपना बताओ। अच्छा तुम पर जीवन यार, नहीं नहीं लड़की को भिखारी क्यों बोल रहा है? पता नहीं। Yes or no? Okay? Yes or no? Yes or no? ये उससे पूछ रहा है, do you love me? Yes or no? Thank you so much भी कह दिया। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, yes or no? Yes or no जवाब दो। तुम भिखारी हो नहीं? हाँ हाँ हाँ, guys record करके इसको upload करते हैं अपने channel पे। निकल भिखारी, मैं भिखारी हूँ, सदमैश नहीं खेलता, बाय बाय भिखारी। क्या करें, अंदर छापा मारे, छापा मारे मारे। किससे बात कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो? लड़की के साथ बात कर रहे हो ना? ओह शिट, ओह शिट यार बासित, यार कितनी खलास बात है, आप लड़कियों से बातें कर रहे हो यार। यार तो लड़कों से करूं, कौन है लड़की जरा दिखाओ तो सही, दिखाओ कौन है यार, बड़ी अफसोस की बात है यार। तो अभी उसे क्या पूछ रहे थे, डू यू लव मी यस और नो? नहीं मैंने बोला उससे पूछे कि तुम भिखारी हो या नहीं।
हमें यही समझ आई है मैम। अच्छा उस लड़की से मैंने वो गलवा लिया आखिर में, वो नहीं कहना चाह रही थी, मैंने बोला तुम सिर्फ यस और नो में जवाब दो, उसने बोला हाँ हाँ हाँ, गुस्से में आके मैंने बोला उससे बोल दिया। ये जो है ना अभी बात चेंज कर रहा है, ये कि हमने खुद सुने है। अच्छा आपने डू यू लव मी पूछा उसे? नहीं भी पूछा मैं एडिट करके लगा दूंगा यार ये व्लॉग बना रहे हैं और सब। नहीं नहीं हम व्लॉग नहीं बना रहे, हम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये सरेआम कोई किस्त चल रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं इसका जो अब टीजर बने। तुम सरेआम पकड़े गए हो? हाँ सरेआम पकड़े गए हो, रूम बंद करके। और ये देखो बैलून्स भी रखे हुए इसने। बैलून्स का क्या मतलब है? क्या करना? अच्छा ये वाले बैलून्स है नहीं है चलो इसको जोड़ करने दो। अभी होगी हमारी अर्ली मॉर्निंग, लेकिन मदिया तो जा चुकी है सुबह, उसमें 5-6 बजे जाना था। आज सुबह से मैं स्पेशली, क्योंकि हलियाना मेरे पास होती है, मैं प्रॉपरली सो नहीं सका। उसकी रीज़न ये है कि सुबह 5:30 के करीब ना हलियाना हमारे साथ बेड पे सोती है, तो मैं तो सो रहा था, मदिया कहीं वॉशरूम गई है और हलियाना उठी है, नींद में उठी है और उठते हुए बेड से सीधा नीचे गिर गई। अल्लाह का शुक्र है वो बचत होगी, लेकिन जब ये गिरी है उठाया है इसको, एक काम परी थी इसके, पता नहीं हाथ पे पाँव पे कहाँ चोट लगी, निशान तो कोई नहीं है अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बहुत बुरी तरह ही गिरी है और उसके बाद से नींद ही नहीं आई डर के मारे में, इतना इसकी साइड पर आई उठा रहा, मतलब मुश्किल से मैं अभी 1:30 बज रहा है अभी, मैं मुश्किल से मेरा ख्याल है कोई 1 घंटा सोया हूँ। और मदिया भी बार बार परेशान हो रही थी, कॉल कर रही थी कि उसका ध्यान रखना। बस अभी मैं उठा हूँ और मैंने सोचा कि आज लस्सी मंगवाते हैं, तो ये 2 गिलास लस्सी आ गई और ये पराठा मुझे नहीं समझ आ रहा इतना बड़ा कैसे आ गया, इतना बड़ा पराठा और ये अंडा भी इतना मोटा, क्योंकि जहाँ से मैं नाश्ता मंगवाता हूँ आज वो था नहीं जगह, वहाँ आ नहीं रहा था नाश्ता। मैं आप लोगों को बताऊँ इन्फॉर्मेटिव चीज़ है कि इस्लामाबाद में स्पेशली खाना पीना जो है महंगा है, काफ़ी महंगा है। मतलब मुझे जो नाश्ता लाहौर या कराची में पड़ता था, कराची में सबसे सस्ता है, जो मुझे पड़ता था 300 या लाहौर में भी 350, इससे ज़्यादा नहीं होता था, वो मुझे इस्लामाबाद में 600-700 इतने का पड़ता है एक दिन का नाश्ता, जिसमें होता कि ऑमलेट होता है और पराठा होता है और एक चाय होती है, बस सिर्फ इस चीज़ का। आज तो खैर लस्सी मंगवाई, आज अलग है माहौल, मैंने कहा लाहौर की याद आ रही, पंजाब में ही हूँ, पंजाब कहने लगा था लाहौर में ही हूँ, और कल हमारी फिर वापसी है। अलग और प्रलोक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मेरे और डॉक्टर मदिया के चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि सबसे पहले प्रलोक मेरा आपके पास आए। अल्लाह हाफ़िज़।